हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं एमिन्यूरिया के बारे में। ये फीमेल कंप्लेंट्स होती हैं, तो एमिन्यूरिया के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और इसके हम होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है हमारी, जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं इसके हम एमिन्यूरिया के लिए, तो इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमिन्यूरिया का मतलब होता है कि मेंसेस का ना आना, एब्सेंस ऑफ मेंसेस है। तो ये इसके दो कॉजेज हो सकते हैं कि मेंसेस नहीं आ रहे, एमिन्यूरिया है। प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी कॉज हो सकता है। प्राइमरी जो कॉज है एमिन्यूरिया के, हो सकता है कि एक बार मेंसेस हो गए हैं, पहली मेंसेस आ चुकी है, लेकिन जब ये 2-3 साल हो जाते हैं तो उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, उनमें इम्बेलेंस हो जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से जो है मेंसेस नहीं आते हैं, एक एक दो दो महीने तक हो सकता है मेंसेस ना आए। तो ये प्राइमरी कॉज हो सकता है अगर हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मेंसेस नहीं आते हैं, तो प्राइमरी कॉज हो सकता है। सेकेंडरी कॉज जो हमारा दूसरा है वो कब होता है कि किसी फीमेल्स में अगर PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या कोई थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड डिसऑर्डर हैं, तो ये सेकेंडरी कॉज होता है। जिसमें अगर PCOD रहता है या थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड की बीमारी है, तो ये सेकेंडरी कॉज है। अब इसके हम सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि एमिन्यूरिया में क्या क्या फीमेल्स में सिम्टम्स आएंगे। तो जो नॉर्मल एमिन्यूरिया होता है, मेंसेस नहीं आते हैं, बिफोर प्यूबर्टी में मेंसेस नहीं आएंगे, या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है, जिस समय बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उस समय मेंसेस नहीं आएंगे, यह नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। या कोई लेडी है 45 या 50 के अबव हो चुकी है, मीनोपॉज आ चुके हैं, तो उसके बाद मेंसेस नहीं आते हैं, तो यह नॉर्मल प्रक्रिया है, इनमें मेंसेस नहीं आएंगे। और अगर कोई लेडी है वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, या उनमें बॉडी फैट कम है, वज़न जो है उनका कम है, एनीमिक है, तो उनमें हो सकता है एमिन्यूरिया हो। तो ये सब थे कॉजेज, और इसके सिम्टम्स के बारे में हम जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं एमिन्यूरिया के। तो एमिन्यूरिया के जो सिम्टम्स हैं, इनमें सबसे पहला सिम्टम्स क्या आएगा, सर में दर्द होगा, हेयर लॉस होगा, उसमें बाल जो है बहुत पतले पतले हो जाएंगे, विज़न में चेंजेस आएंगे, दिखाई कम देगा या धुंधला दिखाई देना, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पेल्विक पेन होगा, जो है ये कूल्हे में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, और मुहासे, चेहरे पे मुहासे, एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वेजाइना जो है ड्राई हो जाएगी, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएंगे, उनमें नींद कम आएगी या ज़्यादा आएगी, तो स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, ड्राई वेजाइना हो जाएगी। तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं फीमेल्स के, एमिन्यूरिया के जो सिम्टम्स हैं हमने आपको बता दिए। अब इसके हम होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और इसके मेडिसिन जान लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले हमारी जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, थायराइडोनम। ये थायराइडोनम जो है बेस्ट मेडिसिन है उन महिलाओं के लिए जिनमें एमिन्यूरिया है, उसके साथ साथ उनके सेकेंडरी जो कॉज हैं PCOD की वजह से, अगर एमिन्यूरिया है, बच्चेदानी में गांठ होने की वजह से मेंसेस नहीं आते हैं, या इनफर्टिलिटी है, उनमें एमिन्यूरिया है, मेंसेस नहीं आते हैं, 2-2, 3-3 महीने नहीं आते हैं, थायराइड की भी प्रॉब्लम साथ में है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, तो आप थायराइडोनम 6x जो टेबलेट हमारी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये आप इसको ले लीजिए, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और जो हमारी दूसरी मेडिसिन है ओफोरिनम उन महिलाओं के लिए सूटेबल है जिनमें एमिन्यूरिया के साथ साथ एक्ने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हो गए हैं, बार बार निकलते हैं, ठीक होते निकलते हैं, जिनमें BP बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, और जो पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली रहती हैं, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, या जो OCP लेती हैं, बहुत ज़्यादा OCP का इंटेक कर लिया, ओरल जो कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, गर्भ निरोधक जो दवाएं हैं उसको ज़्यादा उन्होंने इंटेक कर लिया है,
तो इसकी वजह से अगर किसी में अमिनोरिया है तो ओफोरिनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको ले लीजिए, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आपके मेंसेस जो है नॉर्मल हो जाएंगे। और जो हमारी तीसरी मेडिसिन है सिनेसियो ऑरियस, जो सिनेसियो ऑरियस ये मदर टिंचर में हमने आपको दिखा रखा है, ये आप नोट कर लीजिए। तो जो सिनेसियो ऑरियस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये उन महिलाओं के लिए है जिनमें फंक्शनल अमिनोरिया है, जिनमें दो तीन साल के बाद अगर मेंसेस डिले हो रहे हैं, एक एक दो दो महीने मेंसेस नहीं आते हैं, तो यंग गर्ल्स हैं उनमें अगर ये नॉर्मल मेंसेस करनी है, उनमें नॉर्मल होना है मेंसेस का, तो ये सिनेसियो ऑरियस या मदर टिंचर आप इसको ले लीजिए। जिन लड़कियों में, जिन गर्ल्स में अगर मेंसेस नहीं आते हैं, कमर में दर्द भी रहता है, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बैकिक पेन है और एनेमिक रहती हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी होता है और यूरिन करने में, पेशाब करने में उनमें दिक्कतें होती हैं, जलन होती है, शोल्डर में भी पेन होता है, तो ये सिनेसियो ऑरियस मदर टिंचर आप इसको ले लीजिए। यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो अभी 17-18 साल की लेडीज हैं उनके मेंसेस जो नहीं आते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।